सब्सक्राइब कीजिए प्रियाज लवली किचन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियाज लवली किचन। आज हम बनाएंगे पालक खिचड़ी, तड़के वाली पालक खिचड़ी। ये खिचड़ी खाने के लिए बहुत ही टेस्टी है और उसके साथ साथ हेल्दी भी है। जो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आई होप आपको पसंद आएगी। और हमेशा की तरह मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं पालक खिचड़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। इधर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें आधा कप चावल डालेंगे, एक तिहाई कप मूंग की दाल, एक चौथाई कप तुअर की दाल। तुअर की दाल ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डाल दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी और इस दाल को दो तीन बार पानी से अच्छी तरह से धो के लेंगे। तो इसी तरह से दाल को मैंने धो के लिया है, अब हम इस दाल को पकाएंगे। इधर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इस दाल को प्रेशर कुकर में डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे डेढ़ कप पानी, एक चौथाई चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच नमक, मिक्स करेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के मध्यम आंच पे तीन सीटी आने तक पकाएंगे। तो इसी तरह से प्रेशर कुकर की तीन सीटी निकल गई है, अब हम इस प्रेशर कुकर को ठंडा होने देते हैं। इधर मैंने मिक्सर की जार ली है, इसमें डालेंगे 50 ग्राम पालक। पालक को धो के लेना है और इस पालक को अच्छी तरह से पीसेंगे, पालक की प्यूरी बनाना है। मैंने पालक पीसते समय इसमें दो चम्मच पानी डाला था। गैस के ऊपर पैन गरम करने के लिए रखा है, एक चम्मच तेल डालेंगे। आप चाहिए तो घी भी डाल सकते हो, लेकिन हम घी का तड़का बाद में देने वाले हैं। तेल गरम हुआ है, सरसों डालेंगे। सरसों सटकने लगी है, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, एक कटा हुआ प्याज, दो कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इस प्याज को हल्का सा गोल्डन होने तक पकाएंगे। तो इसी तरह से प्याज हल्का सा पक गया है, इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अब हम इसे फिर से एक दो मिनट पकाएंगे। तो इसी तरह से पक के तैयार है। एक कटा हुआ टमाटो डालेंगे और मिक्स करेंगे, और टमाटो को भी लो टू मीडियम फ्लेम पे टमाटो सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो इसी तरह से टमाटो अच्छी तरह से पक गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पालक की प्यूरी और इसे मिक्स करेंगे। टेस्ट के लिए नमक डालेंगे, ध्यान रख के दाल पकाते समय भी हमने नमक डाला है। आधा चम्मच गरम मसाला मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब हम पैन के ऊपर ढक्कन रख के मध्यम आंच पे दो मिनट पकाएंगे। पालक अच्छी तरह से पकना चाहिए। तो इसी तरह से पालक पक के तैयार है, इसे एक बार मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये पकी हुई दाल और चावल, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। जरूरत के अनुसार इसमें पानी डालेंगे, मैं इसमें तकरीबन एक कप के लिए थोड़ा पानी डालूंगी। अभी मैंने आधा कप डाला है, बाद में मैं इसमें तकरीबन आधा कप पानी डालूंगी। तो इसी तरह से पानी डाल के इसे मिक्स करना है। पैन के ऊपर ढक्कन रख के बिल्कुल धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट पकाएंगे। खिचड़ी में मसाले अच्छी तरह से जज होने चाहिए। ढक्कन निकालेंगे, एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसी तरह से बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म पालक की खिचड़ी बनके तैयार है। पैन को मैं दूसरे गैस के ऊपर ट्रांसफर करूंगी। अब हम तड़का लगाएंगे। मैंने फ्लेम के ऊपर तड़का वाला पैन रखा है, इसमें एक चम्मच घी डालेंगे। घी को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। सूखी लाल मिर्च डालेंगे, एक चम्मच कटा हुआ लहसुन, और लहसुन को
गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से लहसुन अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम ये जो गर्मा गर्म तड़का है खिचड़ी के ऊपर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म और हेल्दी पालक खिचड़ी बनके तैयार है। खिचड़ी को एक सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा तड़का रखा था वो डालेंगे। चलो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आई होप आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स आप भी चलो इसी तरह से तड़के वाली पालक खिचड़ी बनाइए, खाइए और आपके अनुभव शेयर कीजिए। आपको और भी कौन सी नई रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर उस रेसिपी का वीडियो अपलोड करूँ। आपके कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो चलिए फिर हम मिलते हैं इसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।